केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को शिमला में आयोजित ग्राहक मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर होगी और बैंकिंग सेक्टर इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। गौर हो कि 3 से 7 अक्टूबर तक देश भर के बैंकों द्वारा जगह जगह इस तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अनूठी पहल की है। बैंक के उपभोक्ताओं और आम जनता तक बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाने और केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से चलाई जा रही ऋण सेवा सहित अन्य सेवाओं की जानकारी देने के लिए पूरे देश में ग्राहक उन्मुखी कदम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन केंद्रीय वित्त व निगम मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में सार्वजनिक, निजी और कॉरपोरेटिव बैंकों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। इस कार्यक्रम में लोगों को बैंकिंग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इस दौरान उपभोक्ताओं को खाता खोलने से लेकर बैंकों के डिजिटल उत्पादों और ऋण सुविधा के बारे में बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्राहकोन्मुखी कदम कार्यक्रम का मकसद त्योहारी सीजन में लोगों को जरूरत के मुताबिक पैसा उपलब्ध करवाना और अपना रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की बेहतरीन स्थिति है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स रेट कम करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद निवेश को बढ़ावा देकर विकास की गति को और तेज करना है, ताकि 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि जिस तरह से मोदी सरकार ने बीते 5 वर्ष के अपने कार्यकाल में यूपीए सरकार द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों को पार किया, उसी तरह वैश्विक मंदी से भी पार पा लिया जाएगा। लाखों करोड़ रुपया देश की जनता के बीच में वितरित किया जाएगा, जिनको ऋण की आवश्यकता है उनको पैसा मिलेगा और वो अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। इससे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी और भारत में और तेजी अर्थव्यवस्था में आएगी। मुझे लगता है दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी देखी गई है उसके चलते भी जिस तरह दुनिया भर के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा है कि दुनिया भर की मंदी को देखकर भी भारत ने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें बहुत अच्छा और करना है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ गया है कि और निवेश हो और विकास में तेजी आ सके और अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाएं और 5 ट्रिलियन डॉलर हम भारत को 2024-25 तक बनाए। जो भी RBI ने इंटरेस्ट रेट कम किए, लगभग 110 बेसिक पॉइंट्स कम किए थे, वो हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि बैंक वाले उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, उपभोक्ता को उसका लाभ मिल सके। और अब हमने ये भी कहा कि 1 अक्टूबर के बाद सीधा उसको लिंक करेंगे, बेंचमार्क तय किया है ताकि उपभोक्ता को इंटरेस्ट रेट के कट में कटौती का सीधा लाभ मिल पाए। हमने बहुत सारी चुनौतियों को पूर्व में भी देखा है, जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर गई थी, हमने फिजिकल डेफिसिट को कम किया, हमने महंगाई 5 साल नहीं बढ़ने दी, हमने अर्थव्यवस्था 7% से ऊपर लगातार पिछले 5 वर्षों में रखी और इन 5 वर्षों में भी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और जो हमने लक्ष्य भारत के लिए तय किया है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी 2024-25 तक, हम निश्चित तौर पर इसको पूरा करेंगे। अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर स्वीकृत किए गए लोन पर ऋण पत्र भी वितरित किए। इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।